किसी ने क्वेश्चन पूछा है, जिस टाइम पे ग्रो अपस्टॉक वगैरह एप्स नहीं थी तो उससे पहले लोग इन्वेस्ट कैसे किया करते थे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या पता ये क्वेश्चन आता हो, पर देखिए सिंपल सी बात, जो बैंक्स होते हैं ना आपके, पहले वही ब्रोकर हुआ करते थे, अभी भी वो ब्रोकर होते हैं, पर आज के टाइम पे लोग उनको यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वो फुल सर्विस ब्रोकर्स है, और ये जो है ये डिस्काउंटेड ब्रोकर्स है। तो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स का ज़माना आया है अभी अभी रिसेंटली, तो अच्छे है क्योंकि आपकी कमीशन नहीं लगती है। तो पहले से था ये, पहले क्या होता था, पूरे वाले ब्रोकर लेते थे, आपको कमीशन ज़्यादा देनी पड़ती थी, प्रोसेस उतने आसान नहीं थे जितने आज के टाइम पे हो गए हैं, आपके इतना सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता, जैसे आपके पास एक क्लिक करा पूरी कंपनी की प्रोफाइल आ गई, ये आ गया वो आ गया, पहले आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता था। तो जैसे जैसे डिस्काउंटेड ग्रो होते चले गए, अब जो फुल सर्विस वाले थे अब वो भी लाइन पे आते हुए दिख रहे हैं, पर वो अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। तो पहले डिस्काउंटेड से पहले ये फुल सर्विस हुआ करते थे, जैसे एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, कोटेक हो गया, इन सब के खुद के अकाउंट्स हुआ करते थे, और आप यहाँ से सब कुछ ले सकते थे, कमीशन ज़्यादा लगती थी पर।